जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालवीय आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। अभी तो दिल्ली पुलिस का अभी ऑफिशियली साइट पे तो नोटिस नहीं आया है, बट एक नोटिस वायरल हुआ है जो कि ऑथेंटिक है। मैंने भी क्रॉस चेक किया है तो वो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक है कि 16 जनवरी से आपका फिजिकल होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो बहुत लोग जो अभी भी प्रिपरेशन चालू नहीं किए थे, अब उनके लिए मात्र 10 दिन रह गए। तो 10 दिन ग्राउंड आके थोड़ी सी मेहनत कर लो। लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग है इसमें, तो थोड़ा सा हाई टफ है ये, क्योंकि एकदम से अगर आप 10-15 दिन में प्रिपरेशन करो तो नहीं होगा। महीने भर, 1.5 महीना आपको देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ फिजिक वंदे मातरम फिजिकल एकेडमी में लगभग अभी 20 लोग हैं, जो गर्ल्स भी 6-7 गर्ल्स और 11-12 लड़के हैं जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने जाने वाले, और मंडे को इसी का ट्रायल होगा। तो अगर आपको भी ट्रायल देना है तो आके हमारे यहाँ भेल स्पोर्ट्स क्लब नियर कैरियर कॉलेज, जो कि जस्ट गोविंदपुरा थाने के बाजू में है और सामने दशहरा मैदान भी है। तो भोपाल में जो रहता है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा लोकेशन। यहाँ आप आ सकते हो मंडे को 6:30 से 7:30 के बीच। तो आपका यहाँ पे हम लोग पूरा फुल ट्रायल लेंगे दिल्ली पुलिस का। तो बहुत जल्दी फिजिकल होने वाला है, डेट तो आउट हो ही गई है। और अगर अभी भी आप लोग घर में बैठे हैं तो बाहर निकले, कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने आपको एफर्ट लगाए, हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाओ। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें। और हमारी एकेडमी बिल्कुल निशुल्क है। अपकमिंग आपका कोई भी फिजिकल है, मान लो SSC GD है, बिहार पुलिस, UP पुलिस, कोई भी फिजिकल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, अपना नाम लिखवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आके हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारे पास MP पुलिस के लगभग 150 प्लस बच्चे जो लगभग 3-4 महीने से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत जल्दी फिजिकल होने वाला है, आपको पता ही है, तो प्रिपेयर रहिए और थोड़ा इंजरी से बचिए, कोशिश करिएगा। इंजरी मतलब जैसे ग्राउंड आ रहे हो, जा रहे हो, गाड़ी स्लो चलाओ, साइकिल से आ रहे हो तो बच के आओ, साइड से चलो, क्योंकि अभी किसी का कोई टाइम का भरोसा नहीं रहता है। कोई आपको अगर इंजरी कर दे तो आप अगर अच्छे क्वालिफाई भी कर रहे हो तीनों इवेंट, अगर इंजरी होगी तो वहाँ बाहर हो जाओगे। और इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर ले। मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ कि बॉयज़ में लाइसेंस दिल्ली पुलिस के लिए मस्ट है। मतलब आपको दिल्ली पुलिस में अगर आप लाइसेंस नहीं लेके गए तो आप फिजिकल भी नहीं दे पाओगे। तो लाइसेंस ओरिजिनल लेके जाइए और आपका आधार कार्ड भी ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट में आप ये 2 डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल लेके जाइए, और मोस्टली कास्ट सर्टिफिकेट, आपके 10th 12th और भी आपका जो जो डॉक्यूमेंट है सारे ही लेके जाना ओरिजिनल, और एक 1 सेट ऑफ कॉपी, मतलब एक सेट कॉपी भी बिल्कुल लेके ही जाओ, इनकेस अगर आपको डॉक्यूमेंट कुछ मन लिए, कुछ भी चेंजेस आए तो दिक्कत ना आए। क्योंकि अपन चाहते हैं, वहाँ गए हैं, इतने दूर गए दिल्ली फिजिकल देने, तो ये नहीं कि डॉक्यूमेंट वापस बुलाए। और घर में डॉक्यूमेंट रख के कोई मतलब नहीं है, पूरी फाइल लेके जाओ, उसकी एक फोटोकॉपी भी रखो। और डाइट बिल्कुल अच्छी रखो, आप हर 3 घंटे में डाइट करो। जैसे अभी ग्राउंड से अगर आप 9-10 बजे घर जा रहे हो तो थोड़ा हैवी नाश्ता करो, और उसके बाद 1-2 बजे खाना खाओ, फिर शाम में 5-6 बजे फिर 2-3 घंटे में खाओ, और रात का फिर खाना। मतलब हर 3 घंटे में बॉडी में इंटेक भी होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी करो और प्रॉपर अपने आपको ग्राउंड भी टाइम दो। और ये नहीं कि आप सुबह भी रनिंग कर रहे हो, शाम में भी। अगर सुबह आपने अच्छी रनिंग करी है तो शाम में केवल लॉन्ग जंप और हाई जंप पे काम करो, कि मेरा फाउल पे मैं काम कर सकती हूँ और क्या बोलते हैं, अपने हाई जंप पे मैं काम कर सकती हूँ। तो ड्रिल करो, ये नहीं कि आगे अपना फास्ट रनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज, जैसे लॉन्ग जंप बहुत से लोगों की नहीं आ रही है तो आप 50-50 मीटर की स्प्रिंट लगाया करो। 50-50 मीटर की अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है, फाउल कंट्रोल नहीं हो रहा, और फाउल के लिए इंपॉर्टेंट जो आपका पट्टा होता है यहाँ पे, जो जिससे आप टेक ऑफ करते हो, वहाँ से ऑड नंबर पे काउंटिंग करके जाओ, या 17 काउंटिंग 19 काउंटिंग। अगर राइट ही हो तो राइट लेग को रख के उस पर लेफ्ट से काउंट चालू करो, और वहाँ से भी फिर उसको राइट लेग को पीछे ही रखना है और लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको फाउल को कंट्रोल करना है तो ये ध्यान रखो। हाई जंप के लिए भी, और मैंने इसके पहले भी हाई जंप के लिए 3 वीडियो डाल चुका, उसमें पूरे तरीके बताए मैंने कि कैसे आप हाई जंप ला सकते हो। और लॉन्ग जंप के लिए भी 5 वीडियो डाले, उसमें भी बेसिक से एडवांस तक क्या फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइजेस भी और टेक्निक भी। तो ये चीज़ों को फॉलो करो, आप वीडियो भी देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हाई जंप दोनों, लॉन्ग जंप सबकी, तो आप देखना, आपको बहुत सही लगेगा और अच्छा लगेगा, उसको फिर फॉलो करना, तो आपको बिल्कुल क्वालिफाई हो जाओगे। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हमारे MP पुलिस से जुड़े हुए हैं वो तीनों इवेंट में क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर आते रहे, रेगुलर करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ भी, पेपर में भी उनके अच्छे नंबर है और फिजिकल भी उनका अभी तीनों, मंडे को ट्रायल होने वाला है, उसके पहले भी पिछले ही मंडे को वो लोग पूरा क्वालिफाई हो गए थे। गर्ल्स में भी 3-4 लड़कियां जो पूरा फुल क्वालिफाई हो रही है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वंदे मातरम एकेडमी में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।